साइंस के लिए होलिये टेंशन, तो जाइए से भूल और इंस्टा गुरुजी के साथ हो जाइए कूल। हर टॉपिक, बेस्ट एग्जांपल्स और एनिमेशंस के साथ में अपने यूट्यूब मोबाइल ऐप पर सर्च करें इंस्टा गुरुजी और प्लेलिस्ट से क्लास 10 साइंस को करें सिलेक्ट। हमारी लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को भी अपना प्यारा सा टच करें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्टा गुरुजी में, जहां पर मैं प्रकाश अहिर आप लोगों के लिए लेकर चलो क्लास 10th के लिए RBCS CBSE दोनों बोर्ड्स की साइंस को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर। अपन बात करें लाइट वाले चैप्टर की, जिससे जिसकी जो पहले 7 वीडियोस वो आ चुकी हैं, जिसके अंदर अपने लाइट को जाना, लाइट की प्रॉपर्टीज को जाना, उसके बाद अपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को जाना, उसके बाद अपन ने देखा कि जो मिरर्स होते, चाहे फिर वो प्लेन हो चाहे स्फेरिकल हो, उनसे किस प्रकार से अपन इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। आज वाली अपनी इस वीडियो के अंदर अपन जो अपवर्तन है उसी की एक एग्जांपल को लेकर यहां पर चलने वाले हैं। आज अपन लोग पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन बाय अ ग्लास स्लैब। अपने पास देखो एक कांच की कोई स्लैब है, इससे अपवर्तन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से किरणें इस पर आपतित होती है और किस प्रकार से इससे निर्गत होती है, इस सभी की इस वीडियो के अंदर अपन करने जा रहे हैं डिटेल से बात। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो आपके सामने ये जो एक ब्लॉक सा बना हुआ है, अपन ने जो एक आयताकार ब्लॉक सा बना रखा है, ये असल में है कांच की एक स्लैब। ये मैंने कांच की स्लैब बना दी। अपने पास ये जो बाहर इस कांच की स्लैब के बाहर जो मीडियम है वो मैंने मान लिया है एयर, यानी मैंने ऊपर तो ये मान रखा है हवा एक माध्यम है और एक दूसरा माध्यम है उसका काम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कांच की स्लैब को लिया है। अब देखो ये चूंकि आपको पता चल गया मीडियम सेकेंड है और ये आपका मीडियम जो है वो फर्स्ट है। अब अपन क्या करते हैं, अपवर्तन कराने के लिए अपन को एक क्या चाहिए, प्रकाश की किरण चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस आयताकार कांच के स्लेब के ऊपर एक प्रकाश किरण को आपतित करवा दिया, और जब ये आपतित किरण है तो मैं इसका नाम भी लिख सकता हूं आपतित किरण। अब आप सभी को पता है जिस बिंदु पर ये किरण आपतित होती है उस बिंदु को अपन बोलते हैं आपतन बिंदु। मैं एक बार इस आपतित किरण की जानकारी के लिए इसका नाम लिख देता हूँ। चलो ये कोई PQ किरण है जो कि यहाँ पर आपतित हुई, या इस वाले बिंदु को ना अपन ओ नाम दे देते हैं, ये ओ, ठीक है, ओ बिंदु है। अब आप सभी को पता है अगर इसका अपवर्तन नहीं होता, अगर इसका अपवर्तन नहीं होता तो ये किरण बिल्कुल से सीधे सीधे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे सीधी सीधी जाके निकल जाती अगर अपवर्तन नहीं होता तो। लेकिन चूंकि आप सभी को पता है ये जो दूसरा माध्यम है ये सघन माध्यम है किसकी तुलना में, पहले अपने मीडियम जो है एयर इसकी तुलना के अंदर, तो जब ये माध्यम सघन है तो जाहिर सी बात है यहां पर अपवर्तन तो होगा, क्योंकि दोनों माध्यमों का जो सघनता है वो अलग अलग होगी। जब अपन अपवर्तन को पढ़ते उससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि यहां पर अपने एक अभिलंब कीजिए, और अभिलंब अपन इस आपतन बिंदु और ये जो आपकी आपतित सतह है इसके बिल्कुल से लंबवत होता है, यानी अगर मैं इसको अभिलंब नाम देऊं तो आपकी जो किरण है इसको मैं देखो फुल लाइन बना दूं, अगर ये देखो मैंने इसको फुल लाइन में बना दिया है, आपका अभिलंब बन गया, इसको आप नाम दे सकते हो M M डैश, ये आपका अभिलंब हो गया। आप सभी को पता है अपने अपवर्तन वाली यानी इस चैप्टर की जो तीसरी वीडियो थी रिफ्रैक्शन वाली, उसके अंदर अपन ने भली भांति ये पढ़ा है, भली भांति अपन इससे परिचित है कि जब कोई प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखो फिर से मैं आपको बता दूं ये जो एयर है ये एक विरल माध्यम है, और जो आपकी कांच की स्लेब है ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जब ये सघन माध्यम प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, आप सभी को पता है, तो उसको जाना यूं चाहिए था, लेकिन ये यूं नहीं जाकर इस प्रकार से जाती है, यानी इस पथ पर ये अपवर्तित तो हो गई। तो ये किरण चूंकि अपवर्तित हुई तो इस किरण का मैं नाम जो है वो यहां पर लिख रहा हूं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब देखो यहां पर ये जो कोण होता है जिस कोण से आपकी आपतित किरण आपतित होती है इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर आपतन कोण आई, और ये जो आपका कोण है जिससे ये रिफ्रैक्ट हुई है, अपवर्तित हुई है, इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको मैं I1 नाम दे दूं, इसको R1 नाम दे दूं, क्योंकि आगे अपन दो ऐसे और कोण बनाएंगे, देखते हैं कैसे। अब आप सभी को पता है ये जो प्रकाश किरण जो कि अपवर्तित हुई है ये देखो यहां पर ये एक और तल इसको मिला है, और इस तल पर क्या होगी, फिर से अपवर्तित होगी, क्यों, क्योंकि देखो अभी ये किरण किसमें है, सघन माध्यम के अंदर है, और आपको पता है बाहर फिर से वायु आ गई, तो जब ये प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से वापिस पहले वाले माध्यम यानी वायु के अंदर लौटेगी तब आप सभी को पता है क्या होगा, इसका पुनः अपवर्तन होगा। और इस अपवर्तन से पहले मैं अगर यहां पर आपका अभिलंब खींचता हूं, ये मैंने अभिलंब खींचा, तो आप सभी को पता है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और अगर सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से सदा दूर हटती है, यानी अभिलंब के पास नहीं आकर अभिलंब से दूर जाएगी और यूं निकल जाएगी, इसको जाना तो यूं चाहिए था लेकिन यूं नहीं जाकर ये इतने कोण पर विचलित होकर चली जाती है। ये जो आपका
कोण बनेगा R2 बनेगा और ये जो आपका कोण बनेगा ये I2 बनेगा। कैसे? क्योंकि इस केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस के अंदर ये जो आपका कोण I2 है ये आपतन कोण हो गया और यहां पर क्या हुआ इसका चूंकि अपवर्तन हुआ तो ये जो कोण है आपका इसको अपन कह देंगे अपवर्तन कोण। अब ये तो पहला केस था, ये दूसरा केस था, जैसे मैंने इसको नाम दिया PO, इसको मैं नाम देता हूं बिंदु को O', ये O' ये रेखा होगी और फिर P इसको Q नाम दे देता हूं। ये जो आपकी निर्गत किरण है ये तो होगी O'Q, जो आपकी आपतित किरण थी वो है PO और जो बीच में आपकी किरण रहेगी अपवर्तित किरण इसका नाम हो गया OO' और ये वाली जो किरण जो बाहर निकली है इस वाली किरण का नाम है निर्गत किरण, निर्गत किरण। अब देखो अपवर्तन वाला कंसेप्ट तो हम सभी को पता, सभी को समझ में आएगा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। ये आपकी एक किरण है जो कि स्लैब पर आपतित होती है, जिस कोण से आपतित होती है उसे आपतन कोण I कहते हैं। अब यहाँ पर चूंकि दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये सघन माध्यम प्रवेश करे इसलिए इसका यहाँ पर अपवर्तन होगा और इसको इस पथ पर जाना चाहिए था लेकिन इस पथ पर नहीं जाके अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इस वाले पथ पर चली जाती है। अब यहाँ तक जब ये पहुँच गई तो फिर से इसने देखा कि आगे तो दूसरा माध्यम आ गया, मतलब जिस माध्यम में ये पहले रह रही थी यानी ये वाला एयर वाला मीडियम, फिर से एयर वाला मीडियम आ गया तो अब यहाँ पर सघन से विरल माध्यम की जब प्रवेश करेगी तो क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा और ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसको इस पथ पर जाना चाहिए था लेकिन इस पर नहीं जाके इस वाले पथ पर अब गमन करेगी। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है, ये देखो ये डिस्टेंस, यहां पर भी ये डिस्टेंस, यहां पर भी ये डिस्टेंस, या फिर आगे आप कितना चले जाओ ये डिस्टेंस सदा एक जितनी रहेगी। अगर वो दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं कहूंगा क्या कि ये जो आपकी आपतित किरण थी इसी दिशा के अंदर ये जो तीसरी आपकी निर्गत किरण है वो जा रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल से समांतर निकलती हैं और ये जो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों के बीच में विस्थापन होता है, इस विस्थापन को स्मॉल डी से दर्शाते हैं और इस स्मॉल डी को अपन बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन या पार्श्व विस्थापन भी इसको बोलते हैं, लिटरल डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो लिटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो निर्गत किरण होगी वो आपतित किरण के बिल्कुल से समांतर होकर निकलेगी और जो दोनों के बीच में विस्थापन होगा, जो दोनों के बीच में दूरी है या जिसको विस्थापन ही कहना आप लोग, इसको स्मॉल डी से तो अपन रिप्रेजेंट करेंगे और इसको पार्श्व विस्थापन कहा जाएगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर अपन ने जाना कि जो कांच की स्लेब होती है इससे रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है। इस रिफ्रैक्शन के अंदर अगर आप लोग देखो तो कुछ भी वैसे मुश्किल कोई चीज नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन भी रखता है आपके एग्जाम्स के लिए, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली 4 नंबर सेकंड का क्वेश्चन आएगा नहीं, और अगर 4 नंबर का आएगा तो उसमें 4 नंबर आपके किसी भी हालत में नहीं कटेंगे। जो अपन ने इस प्रैक्टिकल के अंदर समझा है सेम टू सेम बात अपन को थ्योरी के अंदर भी लिखनी होती है, जिससे अपना लगभग 1-1.5 पन्ना भर जाता है और आधा पन्ना ये कवर कर लेता है। तो अपने 2 पेज अपन आराम से इस क्वेश्चन के अंदर भर सकते हैं, लेकिन पेज भरने से मतलब नहीं, मेन चीज है कंसेप्ट। अगर हमें कंसेप्ट यहां पर क्लियर होता है तो अपन अपवर्तन की व्याख्या जो है वो कभी भी कहीं भी किसी के सामने भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, अपन बात कर लेते हैं कमेंट की, चूंकि अपन कमेंट्स को लेकर चल रहे हैं तो एक कमेंट आया है इनका, सुभाष दाधीच है इनका। सर प्लीज नॉट यूज इंग्लिश, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो मिस्टर सुभाष जी, थोड़ी सी समस्या हमारी ये भी है कि हमारे कुछ जो स्पेक्टेटर्स और कुछ जो दर्शक हैं वो इंग्लिश मीडियम से भी बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या है कि खासा परेशानी हिंदी में भी होती है, हालांकि मैं इतनी इंग्लिश यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो आपके लिए है, देखो इस बोर्ड पे भी मैंने बहुत कम रूप में यहाँ पर स्लेब और इस एयर के अलावा, इस हेडिंग के अलावा मैंने कुछ इंग्लिश में यहाँ पे लिखा भी नहीं है, तो सब कुछ जो है वो लगभग हिंदी में चल रहा है, मेजरली आप लोगों के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। हाँ, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोल बोलकर वाक चातुर्य के रूप में ज़रूर उनको उनकी जो लैंग्वेज वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो काफ़ी इको फ्रेंडली, एक तरह से क्या कहूँ मैं, नोट्स फ्रेंडली जो चीज़ें हैं वो लेकर चल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किलात आपको अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों था आज की अपनी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपन ने इसको विस्तार से जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो मुझे कहने की जरूरत वैसे नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, कहना पड़ रहा है मजबूरन कि आपको वीडियो पसंद आती है। तो प्लीज़ 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 इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तो मतलब पुण्य के भागीदार बनते हैं, साथ में मुझे भी बड़ा आनंद आएगा कि हाँ मेरी वीडियोज़ कुछ चल रही हैं, ठीक है। सो इसी के साथ लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपन जानेंगे अपवर्तन की कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे अपन जानेंगे कि आकाश में जो नीला रंग है वो क्यों दिखाई देता है, हालांकि वो अपवर्तन की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसको अपन उस वीडियो के अंदर ही कवर करें, क्योंकि 3-4 एग्जांपल्स अपन लेने वाले। एक अपन पढ़ेंगे कि सूर्योदय से पहले अपन को सूरज दिखने लग जाता है और सूर्यास्त होने के बाद भी अपन को सूरज दिखता रहता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये ऐसे कुछ कारण है जिनको अपन जानेंगे अगली वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, ध्यान रखना अपना, जय हिंद वंदे मातरम।
ताकि ताकि दाग